अल्लाह रहमान रहीम हल्का असम्बली बहादुरपुरा टीआरएस ऑफिस किशनबा पर मैं एस ए खैसर बहादुरपुरा इंचार्ज आज सारे आलम के मुसलमानों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हमने इस रमज़ान के महीने में जो इबादतें की हैं वो इबादतों को अल्लाह कबूल करें। साथ ही साथ मैं ख़ासकर सारे मुसलमानों से अपील करता हूँ कि कल ईद उल फितर की जो ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है वो अपने घरों में ही पढ़ें और साथ ही साथ हमने जो ईद की मुबारकबाद देते हैं वो दूर से ही इबादत हम उनको मुबारकबाद दें और हाथ ना मिलाएं, क्योंकि हमने इस रमज़ान के महीने से पहले से ये देख लेते आ रहे हैं कि कोरोना वायरस की तरफ से हमको जो हमारी इबादत गाहें मस्जिदें जो हम आबाद नहीं कर सके, हम मस्जिदों में इबादत नहीं कर सके, उसका गम हमें बहुत हैं। तो हम चाहते हैं कि आइंदा भी ऐसे ही हम थोड़ा दूरी अख्तियार कर कर अपने ख़ानदान अपनी फैमिली अपने माँ बाप को सब चीज़ को इससे बीमारी से बचाएं और सारे हिंदुस्तान को इस बीमारी से बचाएं। मैं खासकर सारे आलम के मुसलमानों से दर्द मंदाना अपील करता हूं, क्योंकि हमने रमज़ान के महीने में जो घरों में इबादत की हैं, जिसे हमने अल्लाह से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी हैं, अल्लाह ने उन गलतियों को माफ़ करें और साथ ही साथ जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो जाए हम अपनी इबादतों को जारी रखें और अल्लाह से हर बार इस कोरोना वायरस की ख़त्म के लिए दुआ करें, क्योंकि ये बीमारी जिस तरीके से सारे दुनिया को परेशान कर चुकी हैं, जिस तरीके से सारे दुनिया के लोगों को माशी एतबार से और हर चीज़ से तकलीफ़ पहुंचा रही है, तो मैं ख़ासकर फिर आलम के मुसलमानों से और ख़ासकर हिंदुस्तान के मुसलमानों से दर्द मंदाना अपील करता हूं कि आप अपने आप को दूरी अख्तियार करें और इस बीमारी से बचने के लिए अपनी फैमिली को बचाने के लिए अब आप अपने आप को सेफ रखें और सामने वाले को भी सेफ रखें। खुदा हाफिज़।